देखो जरा प्लीज, हमने हमने कोलिजन्स का टॉपिक शुरू किया था। कोलिजन से टॉपिक से पहले मैं हर बार भूल जाता हूँ। हम एक स्प्रिंग का टॉपिक कर रहे थे, किया था हमने रादर। ये शीट नंबर 55 है आपकी, आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। शीट नंबर 55 ये हमने कर ली थी। इसके एंड में ना एक टॉपिक था, ये ग्राफ बना हुआ था, ये मेरे से छूट गया था उस टाइम, तो मैं 2 मिनट लगा के इसको प्लीज कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ग्राफ के बारे में पूछते हैं आके क्लास के बाद कि ये कैसे करना था, एक बार समझा दो। तो जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया मैं 2 मिनट लगा के समझा देता हूँ। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, ये ग्राफ है आपको खोलने है आपके पास, स्प्रिंग की फोर्स और उसकी एक्सपेंशन के बीच में है। और हमने ये किया हुआ है कि जो स्प्रिंग की फोर्स होती है और जो एक्सपेंशन एक्स होती है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, एफ ऑफ एस इज माइनस के एक्स, राइट। यही था फॉर्मूला, जितनी ज्यादा एक्सपेंशन होगी उतनी स्प्रिंग की फोर्स होगी, और साइन नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, किसका ग्राफ बनाना है, स्प्रिंग की फोर्स और एक्सपेंशन में। क्यों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। साइन माइनस है, अब माइनस साइन में क्वाड्रेंट देखो क्या चूज करेंगे, माइनस साइन में ये क्वाड्रेंट चूज करेंगे, यहां पर फोर्स पॉजिटिव है पर एक्स नेगेटिव है तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, माइनस साइन तो आना ही आना है। यहां पर फोर्स एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आएगा ही आएगा। इन एनी केस माइनस साइन आएगा तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। अब खास बात यह है इस ग्राफ की, अगर आप किसी भी पोर्शन मतलब आपने स्प्रिंग को खींच दिया कितना मैक्सिमम, उससे ऊपर वो खींच नहीं सकता, तो कितना एक्स ऑफ एम इतना खींच दिया, तो मैक्सिमम खींचने पे आपने जब एरिया निकाला इसके अंडर तो एरिया क्या आएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस का मतलब है एफ ऑफ एक्स, ये हाइट का मतलब है एफ ऑफ एक्स, और इस बेस का मतलब है एक्स ऑफ एम, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो यहां से फोर्स स्प्रिंग की है क्या, स्प्रिंग की फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग की फोर्स है माइनस में होती है, तो वर्क डन स्प्रिंग का क्या आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग का वर्क डन है, स्प्रिंग का वर्क डन हमने शुरू में पढ़ा था वो नेगेटिव आता है, पर अगर कोई कहे कि मेरा वर्क डन निकाल लो, एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लो, तो जो मेरा वर्क डन है वो स्प्रिंग के वर्क डन के ऑपोजिट है, तो साइन क्या लगेगा यहां पर माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा वर्क डन है, स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव है, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, कोई डाउट इसमें। तो ग्राफ एरिया एफ ऑफ एक्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, ये तो हमने कभी की खत्म भी कर दी, जब हम न्यूमेरिकल किया करते थे उसमें हमने कंजर्वेशन एनर्जी जगह जगह लगाई, पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है अब जल्दी समझ में आएगा। ये बताओ कि जब स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के साथ मास है, मैंने पूरा खींच दिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, मैं छोड़ रहा हूँ, स्प्रिंग मीन पोजिशन पर आएगा फिर एक्सट्रीम पर आएगा, फिर मीन पर आएगा फिर एक्सट्रीम पर आएगा, इन दो एक्सट्रीम्स में पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की मैक्सिमम है, लेकिन मेन पोजीशन पर नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं, तो स्प्रिंग की एनर्जी जीरो है। पर जब वो मेन को क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी ब्लॉक की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ना एक्सट्रीम पे रुक जाएगा फिर भागता हुआ एक्सट्रीम पे रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है। ये देखो एट एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे राइट चाहे लेफ्ट चाहे प्लस चाहे माइनस, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एक्स ऑफ एक्स एम है तो एनर्जी मैक्सिमम है। मीन पोजीशन का मतलब एक्स जीरो, कोई एक्सपेंशन नहीं कोई कंप्रेशन नहीं, तो स्प्रिंग की एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन टोटल सम विल रिमेन सेम। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आपने स्प्रिंग को पूरा खींच दिया, पकड़ के रखा हुआ है, तो जब पूरा खींच के पकड़ के रखा हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट पर क्या है, जीरो, और स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। आपने छोड़ दिया, अभी वो मीन पे नहीं आया, अभी वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे रास्ते में है, रास्ते के अंदर क्या होगा, उसके पास काइनेटिक भी होगी और स्प्रिंग भी होगी, तो टोटल सम जो हमने उसमें एनर्जी भरी थी, टोटल सम किसी भी इंस्टेंट पर इंटरमीडिएट पोजीशन पर विल रिमेन सेम। यही है एनर्जी कंजर्वेशन, कि आप एक्सट्रीम पे ले लो, किसी मीन पे ले लो, कहीं पर भी पॉइंट पे ले लो, टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये जो है प्रॉब्लम है, और इसके अंदर क्योंकि
अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आप लेके आए थे तो उसकी स्प्रिंग की एनर्जी इतनी है, इंटरमीडिएट पोजीशन पर पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी है, सॉल्व करके वी कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये वेलोसिटी आएगी किसी भी इंस्टेंट पर। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने स्प्रिंग के जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो स्प्रिंग के अंदर हमने बहुत बार ये लगा के देख लिया, तो हमें ऐसा कुछ याद नहीं करना है इसमें। एक क्वेश्चन मेंस और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ग्राफ आता है कि वो कहेगा कि प्लॉट करो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग ब्लॉक की और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आपस में कैसे रिलेटेड है और इसको ग्राफ प्लॉट करो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर ये इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पर स्प्रिंग की एनर्जी मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर स्प्रिंग की एनर्जी जीरो है। तो स्प्रिंग की एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी आपस में उल्टे रिलेटेड है, लेकिन इनका जो सम आएगा टोटल किसी भी इंस्टेंट पर, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी पॉइंट पर सम लेंगे तो टोटल के इक्वल ही आएगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये ग्राफ पैराबोला क्यों बना ये नहीं मैं बता रहा अभी, ये ग्राफ ऐसा बना ये बता दिया, वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज पीरियोडिक मोशंस, उसके अंदर क्योंकि अभी तक हमने स्प्रिंग और मास सिस्टम को कैसे स्टडी किया, एक्सट्रीम पे दो पोजीशन पे, ये पोजीशन नंबर वन, ये पोजीशन नंबर टू, टोटल एनर्जी का सम वन और टू पे सेम खत्म। बीच में क्या हुआ, एनर्जी हर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, पोटेंशियल भी चेंज हो रही है और काइनेटिक भी चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पर पोटेंशियल काइनेटिक चेंज होती जा रही है। तो कैसे चेंज होती है टाइम के साथ, वो पीरियोडिक मोशंस आपको बताते हैं, उसमें ग्राफ पैराबोला आता है, इसका प्रूफ भी आता है। तो अभी आपको याद करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी ब्लॉक की, वो आपस में ऐसा रिलेशन रखेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब ग्राफ लीनियर क्यों नहीं आया, पैराबोला क्यों आया, इसका जो आंसर है हम थोड़ी कुछ दिनों में करेंगे, इसे डिटेल में करेंगे। और आखिरी पॉइंट ये हमने कर ही लिया था रादर, तो ये वाला प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो स्प्रिंग का टॉपिक तो यहाँ पे खत्म होता ही है मेरा, राइट? तो एक बस यही पेज रह गया था। तो आज हमने कोलिजन्स को आगे कंटिन्यू करना है और कोलिजन के अंदर मेरे ख्याल से ये वाली शीट तो लास्ट टाइम हो गई थी, चेक करो, हो गई थी ना, इस शीट का नंबर क्या डाला था आपने, चेक करो, 59 था, नंबरिंग जरूर चेक करो, फिफ्टी नाइन था। और इसी के अंदर एक और शीट होगी, ये भी शायद हो गई थी फिर, तो हमारे पास ये हो गई थी ना, हाँ, इसका नंबरिंग क्या था, 60 था, डाला हुआ है ना, और इसका नंबर डालो 61। आज की शीट जो आपको मिली हुई है 61, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ शीट नंबर 61 का प्रिंट आउट लेंगे, 61। और ये शीट ऐसी है देखने में, स्टार्टिंग इसकी ऐसी है, ठीक, ये रही, देखो इसके अंदर बेसिकली हमने अभी तक कोलिजन्स में क्या किया, कोलिजन की कैटेगरी बनाई, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन 1D 2D, इन इलास्टिक कोलिजन 1D 2D, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ओनली 1D, वो एक्चुअल में जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में, 2D भी हो सकता है, आज एग्जांपल वो भी दे दूंगा चलो। पर हमने अभी तक जितने भी कोलिजन्स की तीनों के एग्जांपल्स किए 1D में ही किए, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, 2D। पहली टाइप की कोलिजन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2D, क्या स्टेप क्लियर है? तो जब मैं बोलता हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो एनर्जी लॉस, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, पॉइंट नंबर वन, और मोमेंटम तो हर वक्त कांस्टेंट रहेगा, पॉइंट नंबर टू, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है यहां तक?
फेकली इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो 2D का कोलिजन है, इसमें ये हम एग्जांपल, वैसे एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिया भी हुआ है, जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किया था ना, तो उसमें ये एग्जांपल लिया करते थे. कैसे? सपोज करो एक बॉल है जिसका मास है m1 और वो u वेलोसिटी से इसको हिट करने आ रही है. तो प्रॉब्लम ऐसी है, ये बॉल है m1 एंड मूविंग विद u, एक और बॉल है कितनी m2 लाइंग एट रेस्ट. ठीक है, यहां तक रेस्ट पे बॉल m1 ने m2 को हिट किया. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये ना शायद ऐसे हिट किया, एक उड़ती हुई इधर गई, एक नीचे चली गई. ऐसा नहीं है, ये डायग्राम वर्टिकल में नहीं है, ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल में है. प्लीज, ये टॉप व्यू है, ऊपर से व्यू लिया गया. एक पूल टेबल है, एक बॉल पड़ी थी, दूसरी आती है, हिट करती है टेबल पे, एक इधर और एक टेबल के इधर चली जाती है. ड्रॉ इसको ऐसे किया, ठीक है यहां तक? तो वर्टिकल नहीं है. कई लोग कहते हैं सर ये प्रोजेक्टाइल क्या, ये टेबल के ऊपर है, ये कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है, कोई वेट नहीं लेगा इसका. ठीक है यहां तक? तो सपोज इनकी इसके साथ टक्कर होती है, और मान लो जो m1 बॉल है आफ्टर कोलिजन वो यहां मूव करती है विद v1, और एक बॉल है m2 वो यहां मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ v2. क्लियर है यहां तक? तो m1 और m2, राइट? आगे तो ये बॉल m1 x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है, थीटा 1, और बॉल m2 क्या एंगल बनाती है, थीटा 2. ठीक है यहां तक? थीटा 1 थीटा 2. तो इसके अंदर इसमें जो वेलोसिटी v1 है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, v1 cos थीटा 1, v1 sin थीटा 1. इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे v2 cos थीटा 2, v2 sin थीटा 2. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. और अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक ही बात है. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन मोमेंटम भी होता है. कोई डाउट इसमें? तो रूल क्या है इलास्टिक कोलिजन का? रूल ये है कि जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट. इलास्टिक है, मोमेंटम तो हर वक्त ही कांस्टेंट होता है, चाहे इलास्टिक चाहे इनइलास्टिक, पर जो एनर्जी है वो इलास्टिक में कांस्टेंट है. अब क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्स में अलग होगा वाई में अलग होगा, एक्स में भी कांस्टेंट होगा वाई में भी कांस्टेंट होगा, तभी तो बोला जाएगा टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट. तो हम एक काम करेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट करेंगे, फिर हम वाई के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट करेंगे, और फिर ये माना जाएगा कि टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट. ठीक, देखो कैसे. तो एक्स के अलोंग अगर मोमेंटम की बात करते हैं, तो टक्कर से पहले एक्स का मोमेंटम, टक्कर के बाद एक्स का मोमेंटम विल रिमेन सेम. ठीक, तो कोलिजन से पहले एक्स का मोमेंटम क्या होगा? कोलिजन से पहले एक्स का मोमेंटम m1 u1, या एरो ड्रॉ करो u1, यहां पे एरो ड्रॉ करो u1, एरो u1. तो कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. किस एक्सिस में? पहले एक्स में और फिर वाई में. पहले एक्स की बात करते हैं.
एक्स एक्सिस में कोलिजन से पहले मोमेंटम एम वन यू वन, और ये बॉडी किस पे है, एट रेस्ट, तो जीरो। कोलिजन के बाद इस बॉल का मोमेंटम एम वन वी वन कॉस थीटा वन, करना है तो यहां से एम वन और एम टू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मोमेंटम बन जाएगा ये। तो ये बॉल की वेलोसिटी जो वी वन है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, वी वन कॉस थीटा वन, तो मोमेंटम क्या होगा, एम वन वी वन कॉस थीटा वन। ऐसी इसका जो मोमेंटम एम टू वी टू, तो इसका एक्स में कॉम्पोनेंट क्या होगा, एम टू से मल्टीप्लाई करो एम टू वी टू कॉस थीटा टू। कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक? तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो सिर्फ एक्स में ही देख रहे हैं, तो टक्कर से पहले मोमेंटम कितना, एम वन यू वन प्लस जीरो। कोलिजन के बाद एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन, अब से मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, मोमेंटम कॉन्स्टेंट मानेंगे, लेकिन इन y एक्सिस, बोलो y एक्सिस में m1 का मोमेंटम कितना, जीरो, क्योंकि y में तो वो बॉल मूव कर ही नहीं रही थी। इसका कितना, जीरो, ये रेस्ट पे पड़ी हुई है। फिर आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम y में कितना, m1 v1 sin थीटा 1, और इसका कितना, m2 v2 sin थीटा 2, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐड करेंगे तो एक के आगे माइनस लगेगा, लगना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि लेफ्ट का सम अगर जीरो है तो राइट का सम भी जीरो ही आना चाहिए, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस। कोई डाउट इसमें, याद आ रहा होगा हमने लॉज ऑफ मोशन में मोमेंटम कंजर्वेशन किया था सेम टू सेम, कोई डाउट इसमें? तो सेकंड इक्वेशन भी क्लियर है। और लास्ट एनर्जी कंजर्वेशन, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी, टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, और सेकेंड बॉल की जीरो, टक्कर के बाद कितनी, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर वन, कॉम्पोनेंट क्यों नहीं लिए, ऐसी कर दी ऐड, देखा ही नहीं डायरेक्शन कहां पर है, क्यों, क्योंकि एनर्जी की डायरेक्शन कहां होती है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर होता तो कंपोनेंट्स बनते हैं, एनर्जी के भी थोड़ा कंपोनेंट्स बनते हैं, तो एनर्जी को तो सिंपली ऐसी स्केलर ऐड कर देना है। तो टोटल सम कोलिजन से पहले, टोटल सम कोलिजन के बाद विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें? अब आप कहोगे उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा आ जाता है तो इन्हीं क्वेश्चन से काम चलाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही देखेंगे जो होगा, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो फिर ट्राई करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी दो मिनट बात करेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप खुद एक बार ट्राई करो दो मिनट के लिए। सपोज सेम क्वेश्चन है, रफ कॉपी लो, एक मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, सेकेंड बॉल रेस्ट पे है, इसे टक्कर लगती है, हाँ इलास्टिक कोलिजन है, सेम है, ऐसी रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल चली जाती है एट एन एंगल ऑफ थीटा वन, और सेकेंड बॉल एट एन एंगल ऑफ थीटा टू। ये कोलिजन कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, नो एनर्जी लॉस। तो जो अभी इक्वेशन बनाई थी सेम टू सेम, आप फिर से बनाना, बस फर्क ये है कि मैंने मास m1 m2 लिया, यहां पे मास m और m है, तो ये रूल है, एक शॉर्टकट बनने वाला है। अगर मास दो बॉल्स का सेम है और इलास्टिक कोलिजन, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो उस केस में जो इनका जो एंगल का सम है, एंगल का सम थीटा वन प्लस थीटा टू, वो क्या होगा, पाई बाय टू, मतलब दो बॉल्स विल बी सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये रूल है, ये प्रूव करके देखो। तीन इक्वेशन बनाओ अभी, मोमेंटम कंजर्वेशन की दो, और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की, सॉल्व करो, एम से एम कैंसिल होगा, आंसर आएगा, ट्राई करो, खुद ट्राई करो।
कितने लोगों से प्रूव हो गया? क्या बात है, बड़ी जनता से प्रूव हो गया, बहुत बढ़िया है, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना। ठीक है चलो, तो मुझे लगा कि शायद खुद हुआ ना, मतलब देखने की जरूरत तो नहीं पड़ी। ठीक है, देखो तीन इक्वेशंस वही बनाई जो मैंने कही थी। पहली क्या, क्योंकि कोलिजन के बाद ये v1 वेलोसिटी के साथ जाएगा, कोलिजन के बाद ये v2 के साथ जाएगा, थीटा वन और थीटा टू एंगल पे जाएगा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी वन कॉस थीटा, इसका एम वी वन कॉस थीटा वन और इस तरफ एम वी वन साइन थीटा वन, ऐसे यहाँ पर एम वी टू में एम वी टू कॉस थीटा टू एम वी टू साइन थीटा टू। तो पहला रूल मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना एम इंटू यू और ये कितना जीरो, कोलिजन के बाद एम वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम वी टू कॉस थीटा टू, एम 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 कैंसल क्योंकि मास बराबर है फर्स्ट इक्वेशन। वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के अंदर इसका मोमेंटम जीरो क्योंकि एक्स में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में इसका मोमेंटम जीरो, ये रेस्ट पे है, क्लियर यहां तक, रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इसका मोमेंटम कितना है एम वी वन साइन थीटा वन, इसका कितना है एम वी टू साइन थीटा टू, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो साइन माइनस पी लगेगा, एम और एम कैंसल, तो यहां से क्या आ गया वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू, कोई डाउट इसमें? तो आपके पास इक्वेशन नंबर टू या फिर वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू इज जीरो, सेकेंड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, इसकी एनर्जी जीरो, हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी टू स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ से सॉल्व किया, हाफ एम कैंसिल हो गया, तो यू स्क्वायर इज वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थ्री भी क्लियर है। एक काम करना है, इक्वेशन नंबर वन एंड टू को देखना है, इक्वेशन नंबर वन में ये टर्म, इक्वेशन नंबर टू में ये टर्म, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है आता, तो देखो ना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई आपके पास। इसमें आपने इसको ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यहां और यहां वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, वी वन स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन। उसी तरीके से v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2, v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 में v2 स्क्वायर कॉमन, तो क्या आएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर sin स्क्वायर इज 1, तो आंसर आ गया v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, यहां से 2v1 v2 कॉमन आ गया तो माइनस 2v1 v2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा sin थीटा 1 sin थीटा 2 और ये माइनस cos थीटा 1 cos, तो रीअरेंजमेंट क्लियर है इक्वल टू 0। अब क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से u स्क्वायर किसके इक्वल है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो u स्क्वायर किसके इक्वल है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया जीरो हो गया और 2v1 v2 जीरो से कट गया तो क्या बचा sin a sin b माइनस cos a cos b sin ऑफ और cos ऑफ a प्लस b। मेडिकल के लोग याद करेंगे ये फॉर्मूला, sin a sin b, हाँ तो कोई बात नहीं, वो माइनस साइन कॉमन आ गया ना, ओके ऐसे कर देता हूं, माइनस साइन कॉमन निकाल लेना इसमें से, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, डन, एक ही बात है इसमें, एक ही बात है राइट, वैसे ठीक है, तो इक्वल टू जीरो, तो कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो कब होगा, जब ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो आज के बाद ना ये शॉर्टकट बन गया और आज के बाद हम इस रिजल्ट को एज इट इज ऐसे ही याद करेंगे कि अगर दो बॉल्स हैं, इलास्टिक कोलिजन है, 2D है, सेपरेशन थीटा वन थीटा टू है, तो दोनों का सम 90 डिग्री, तो ये शॉर्टकट ऐसे काम आएगा, दो बॉल्स का मास अगर सेम है, परफेक्टली इलास्टिक है, बॉल सेपरेट हो गई, अगर एक बॉल 30 डिग्री एंगल बनाती है x के साथ, तो दूसरी बॉल 90 माइनस 30 60 एंगल बनाएगी x के साथ, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट? तो प्रूफ भी क्लियर है और ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट बहुत यूज होगा, ये जैसे वेलोसिटी एक्सचेंज का शॉर्टकट यूज करते हैं, इसका भी ऐसी शॉर्टकट यूज करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, इसका ना इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक से लेना देना नहीं है कुछ भी, कोई मर्जी कोलिजन हो, एक यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का तरीका क्या रहेगा सॉल्व करने का, इसको देखो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर
आपको ये गिवन है कि सपोज आपके पास एक बॉल आ रही है m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, एक बॉल आ रही है m2, रादर m1 या m2, m2 मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v2, आमने सामने ऐसे आ रही है, टक्कर हो गई, चिपक गई, दे स्टिक टुगेदर का मतलब दोनों चिपक जाती हैं और सेपरेशन नहीं होता, इसका मतलब दिस बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक की कैटेगरी है ही नहीं, इन इलास्टिक में भी 2D की कैटेगरी है, हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, हमने तो एक ही एक्सिस गोली आई ब्लॉक में गई दोनों इकट्ठे चल पड़े, सिंपल, इसमें 2D आ ऐसे रहे थे और मिलके कहीं और चले गए, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम है, दो क्वेश्चन है, पहला जब ये चिपक गए तो इनका मास m1 प्लस m2 हो गया, तो इन्होंने ना ये इधर गए ना ये इधर गए, क्योंकि ये बॉल चाहती है इधर जाए, ये चाहती है इधर जाए, ना इधर कहीं बीच में चले गए, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, आपको बताना है दोनों इकट्ठी बॉल्स कितने एंगल पर सेपरेट होंगी, मेरे कहने का मतलब कितने एंगल पर मूव करेंगे ये बताओ, थीटा बताओ एक, और ये भी बताओ इनकी कॉमन वेलोसिटी वी क्या होगी, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी वी, राइट, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो पहली बात तो इस चीज को ऐसे समझो कि जो बॉल इधर आ रही थी, जो बॉल इस तरफ जा रही थी, तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हुई, ये नहीं है कि वो सच में जा रही है, कहने का मतलब ये डायरेक्शन इनिशियल है m1 v1 वेक्टर, और ये डायरेक्शन इनिशियल है m2 v2 वेक्टर, ये दोनों कंबाइन होके कहीं यहां चले जाते हैं, राइट, तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं इनका, तो ये एक साइड बन जाएगी m1 v1, ये एक साइड बन जाएगी m2 v2, और ये इनका डायगोनल बन जाएगा रिजल्टेंट, तो अगर एंगल थीटा निकालना हो तो इसमें कोलिजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए मुझे, मैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल में टैन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, ये साइड m2 v2 तो ये साइड भी m2 v2, m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 v1, तो टैन थीटा इज m2 v2 बाय m1 v1, तो यहां से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज टैन, इसमें कोलिजन का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया ही नहीं, मैं तो वेक्टर से सॉल्व कर दिया कितने एंगल पर सेपरेशन होगी, कोई डाउट इसमें, पर अगर मुझे क्या निकालना है कॉमन वेलोसिटी, तो कॉमन वेलोसिटी के लिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी तो कांस्टेंट होगी नहीं, पर एक चीज हमेशा कांस्टेंट होगी और वो क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी हमेशा निकलती आई है, पहले भी और आज भी निकलेगी, तो लगाए मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन ये बोलता है कि टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम और टक्कर के बाद फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, यही है मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, नहीं होगा, प्लस कैसे कर सकते हैं, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो वेक्टर सम लगाना पड़ेगा, तो इनिशियल मोमेंटम बोलो क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि एक मोमेंटम इस तरफ है m2 v2, एक मोमेंटम इस तरफ है बोलो कितना m1 v1, तो नेट मोमेंटम क्या होगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये क्या आ गया, नेट मोमेंटम, देख लो अभी तो टक्कर नहीं हुई, टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम m1 v1 m2 v2 एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90, तो इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर सम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, अब कोलिजन करें, जब कोलिजन होगी तो फिर मुझको एक ही चीज समझ में आती है कि m1 एंड m2 बोथ m1 m2 बोथ आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी, तो मोमेंटम बोलो फाइनल m1 प्लस m2 इनटू कॉमन वेलोसिटी v, डन, तो इनिशियल मोमेंटम अलग अलग निकाल दिया वेक्टर सम से, फाइनल एक ही बारे में निकाल दिया, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, समझ में आ रही है इक्वेशन, तो लिखो इसके नीचे अंडरलाइन करके इनिशियल मोमेंटम, यहां लिखो फाइनल मोमेंटम, याद आ जाएगा आपको, इसे लिखो इनिशियल मोमेंटम, राइट वाले को इनिशियल मोमेंटम, लेफ्ट वाले को फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, कोई डाउट इसमें, तो लिखो यहां पर इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम,
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हमने इक्वल कर दिया। ठीक, आगे तो ठीक है, इसको स्क्वेयरिंग करके वी कैन बी कैलकुलेट, जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें से भी हम निकाल लेंगे जो भी होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक? इनिशियल फाइनल, देखो अब आप कोई कहेगा सर ये तो बता दो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, मैं कहूँगा यार लेना देना क्या तेरे को, तूने कौन सा एनर्जी यूज की, कॉमन वेलोसिटी है तो ये पूछने की भी जरूरत नहीं कि इलास्टिक इनइलास्टिक, पक्का परफेक्टली इनइलास्टिक ही है। इलास्टिक कैसे हो सकती है, दो बॉडीज स्टिक कर गई चिपक गई तो परफेक्टली इनइलास्टिक ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ये। नेक्स्ट, तो ये जो कोलिजन थी, कौन सी कोलिजन थी, इलास्टिक इन 1D, लास्ट टाइप की कोलिजन कर रहे हैं इन इलास्टिक इन 1D, सॉरी 2D, लास्ट टाइप की कोलिजन कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, 1D बोल दिया गलती से, 2D मतलब सेम प्रॉब्लम है पर अब विद एनर्जी लॉस है। एक चीज हमेशा ही कंजर्व रहेगी कोलिजन में और वो क्या है, लीनियर मोमेंटम, वो तो होना ही होना है, इलास्टिक इनइलास्टिक एक ही क्वेश्चन तो बननी बननी है। दूसरी क्वेश्चन एनर्जी की नहीं बन सकती, इसमें कहां से आएगी फिर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई बोल रहे थे अभी, बिल्कुल सही, ई से आएगी। हमने कर लिया 1D किया, 1D की इनइलास्टिक कोलिजन में क्या यूज करते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड रेस्टिट्यूशन, सेम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेम है, एनर्जी नहीं बनेगी तो रेस्टिट्यूशन लगा देंगे। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक,
इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D के अंदर मैं अब एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें, और फिर आप मुझे करके भी दिखाओगे कि एक प्रॉब्लम मैं दूंगा आपको करने के लिए, एक मैं भी करके दिखाऊंगा, ठीक। पहले मैं करता हूँ फिर आप मुझे करके दिखाना, पहले समझ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। इसके ऊपर ना नीट और मेंस में पक्का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इन दो एग्जाम्पल जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ आता है। अगर 2D कोलिजन में आ गया इन इलास्टिक में फिर तो ऐसा ही कुछ आएगा। देखो सबसे पहले मैंने इमेजिन किया कि ये एक दीवार है, वॉल है, ठीक, ये एक वॉल है। सपोज एक बॉल जिसका मास क्या है m, m मास की बॉल इसे दीवार को हिट करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं कि इनिशियल डायरेक्शन v1 वेक्टर की इस तरफ होगी? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद ये बॉल इस तरफ मूव करती है m, सेम लेकिन विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। बॉल आई थी v1 के साथ, चली v2 के साथ गई, एंड आने का एंगल कितना था? θ1, और ये एंगल कितना है? θ2। कोई डाउट इसमें? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो बॉल आई, बॉल चली गई, आगे, ठीक, आगे देखो। अब इसके अंदर सपोज यहां पर ये इसका मोमेंटम इनिशियली कितना है? m इंटू v1, बॉल का मास तो चेंज होगा नहीं, दीवार का तो मास ही लेना, तो m इंटू v1 इनिशियल है और ऐसी m इंटू v2 फाइनल है, राइट? मोमेंटम mv1 तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल θ1, तो इस इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट mv1 cos ऑफ θ1 और नेक्स्ट mv1 sin ऑफ θ1। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? उसी तरीके से mv2 है तो इस तरफ mv2 cos ऑफ θ2 और इस तरफ mv2 sin ऑफ θ2। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मोमेंटम के कंपोनेंट्स लिए, क्यों? क्योंकि हम xy प्लेन में काम नहीं करते, या तो x में करते हैं या y में करते हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एक काम करते हैं, बहुत कंफ्यूजन ऐसा सा लगता है, अब मैं उसमें तो मिटा नहीं सकता, इसमें मिटा रहा हूं मैं। अब क्योंकि मैंने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व तो कर ही लिया तो मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया तो मेरे को इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है। बस ये चार वेक्टर मुझे चाहिए, दो इनिशियल के और दो फाइनल के, बाद खत्म, मैं एक्स वाई प्लेन में काम करूंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट इसमें? तो वो डायग्राम में से जो काम की चीज है वो मैंने चार कंपोनेंट्स निकाल लिए। तो इनिशियली ये और ये इनिशियल मोमेंटम है, ये और ये फाइनल मोमेंटम है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर सपोज यहां पर एक वॉल है, एक दीवार है ना, या इससे पहले मैं दो मिनट इसको रोक रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बताना है, याद कराने करवाया हुआ है वैसे आपको। सपोज ये ग्राउंड है, आपको याद होगा इसका रेस्टिट्यूशन ई है, इसके अंदर ये बॉल नीचे आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, ये बॉल नीचे आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, अगर ये यू वेलोसिटी से हिट करती है तो वापस बोलो कितनी वेलोसिटी से जाती है? ई इंटू यू, ये हमने किया हुआ है, ई टाइम वेलोसिटी से चली जाती है, और जाने की वेलोसिटी आने की वेलोसिटी तो पक्का कम ही होगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस है, रेस्टिट्यूशन है, और ई टाइम हो जाती है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, क्लियर है यहां तक? तो वेलोसिटी ई टाइम हो जाएगी, ये लो, तो वेलोसिटी ई टाइम हो गई। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? आगे, अब इसके अंदर वेलोसिटी, क्योंकि मैंने बोला ई टाइम्स हो गई, अब आप नोट एक और बात करें, जो वेलोसिटी आई थी ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती थी वेक्टर? 90, और जो जा रही है वो भी कितना एंगल बना रही है? 90। जो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा था
वो 90 डिग्री पे लगा था, आने की वेलोसिटी और जाने की वेलोसिटी चेक कर लो, 90 डिग्री पे है, ऐसी लगा था। हमने इसका प्रूफ भी किया था, वो V2 माइनस V1 करके, यही रूल था। अब फिर इस कॉन्सेप्ट को यहां देखो, मैं एक मिनट के लिए मास हटा देता हूं, ठीक है, एक ही बात है, मास लगाओगे दोनों पे लगा दो, हटाने दोनों पे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है जिससे कि वॉल को हिट किया जा रहा है, और ये टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी है जिससे कि वॉल वापस जाएगी, ऐसे ही है एक्स एक्सिस में। इस एक्सिस में देखना, मैं इस एक्सिस की बात कर क्यों रहा हूं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी के जो वेक्टर्स हैं, देख रहे हो ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों क्या है इस वॉल के साथ 90 डिग्री पे, और ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है फाइनल, और ये कौन सी वेलोसिटी है इनिशियल और रेस्टिट्यूशन ई है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी टक्कर खाने के बाद वेलोसिटी ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, कोई डाउट इसमें, फाइनल वेलोसिटी ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, चेक कर लो। तो ये रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट बता रहा हूं, बस यही ट्रिक है इन इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करने की, और कोई ट्रिक नहीं, ढूंढते रहो जो ढूंढना है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा अगर आपने ये दो लाइनें नहीं सुनी। पहली, इस इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D को सॉल्व करने में दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन बनेगी बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम की हेल्प से, और दूसरी बनेगी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। अब इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट सुनो, रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन उन कंपोनेंट्स पे लगेगी जो आपस में 90 पे होंगे। देखो वॉल के साथ, ग्राउंड के साथ जो 90 पे आ रहे जा रहे हैं, इस पे नहीं लगेंगे, 90 जो अपोजिट वेक्टर्स है उन पे लगेगा रेस्टिट्यूशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इन पे नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करके इनिशियल फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज सम एनर्जी लॉस, वो लॉस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे रहेगा, इनमें कोई लॉस नहीं होता। तो ये इस जो जो कंपोनेंट्स किसके अलोंग जा रहे हैं, वॉल या ग्राउंड के साथ जा रहे हैं, उसमें रेस्टिट्यूशन नहीं लगता, उसमें क्या लगता है, मोमेंटम कांस्टेंट लगता है, कंजर्वेशन लगता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन किस पे लगता है, इन कंपोनेंट्स पे नहीं लगेगा जो परपेंडिकुलर है, किनके साथ, किनके ऊपर लगेगा, उन कंपोनेंट्स पे लगेगा जो वॉल या ग्राउंड के साथ जा रहे हैं, इन पे रेस्टिट्यूशन नहीं लगेगा, और इन पे क्या लगेगा, रेस्टिट्यूशन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बस ये समझ में आ गई, समझो क्वेश्चन बन गई बात, क्योंकि कंपोनेंट तक तो आप बाय प्रैक्टिस कर ही लोगे, इन एनी केस कंपोनेंट तक तो आप बना ही लोगे। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक रेस्टिट्यूशन से सॉल्व होगा और एक मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये भूल जाओगे कि किसमें लगाऊं रेस्टिट्यूशन और किसमें लगाऊं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में इस एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो सोचो मास से मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो गई, नहीं, ये नहीं होता, देयर इज सम एनर्जी का लॉस। तो ये वेलोसिटी ई टाइम्स इस वेलोसिटी की इक्वल होगी, तो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट पे लगेगा, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पे रेस्टिट्यूशन नहीं लगेगा, इसके अलोंग क्या लगेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यही ट्रिक है, इसको लगा के दिखाता हूं। तो जैसे ये डायग्राम तो समझ में आ गया, सेम ही डायग्राम है वैसे तो, इसके अंदर मैंने क्या बताया अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस अलोंग द वॉल, दीवार के साथ साथ रेस्टिट्यूशन नहीं लगेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी वन कॉस थीटा वन, फाइनल क्या है, एम वी टू कॉस थीटा टू, एम से एम कैंसिल, इक्वेशन नंबर वन, कोई डाउट इसमें, फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वॉल, दीवार के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, फाइनल वेलोसिटी, मास को कैंसिल कर दो, एक ही बात है, फाइनल वेलोसिटी इज ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट लगेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को लिख लिए, एक के नीचे एक लिखा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग में वी टू स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, इन दोनों का स्क्वायर कर देना और वी टू निकालना है, ये वन हो जाएगा, वी टू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। यही ट्रिक है किसी भी 2D कोलिजन जिसमें इन इलास्टिक कोलिजन है, रेस्टिट्यूशन है, यही ट्रिक से सॉल्व होगा। आप लगाना चाहते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे लगा के दिखा दें। इसके लिए आप अपनी ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 27 ओपन करें,
ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 27 ओपन भी क्या करना ओपन ही है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है, बनाओ कंपोनेंट और मुझे पूरा सॉल्व करके दिखा दो। बोलो कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होगा है ना, वो तो होगा, वाई इसमें तो हो नहीं सकता, लॉस है, एक में तो होगा। 27 नंबर शीट का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है तो ये मिली होगी आपको कोलिजन की शीट के साथ, 28, 29 तो कर ली ना, 27 रह गई थी वो, इसलिए क्योंकि उल्टा प्रिंट हो गया, 27 को एंड में आना था, 27 पहले आ गई, नहीं मिली, मिली होगी यार, कितनों को नहीं मिली ये 27, जाते हुए ले लेना कोई बात नहीं, जाते हुए प्रिंट ले जाना, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 5th क्या सॉल्व हो गया, समझो पास हो गए इन इलास्टिक कोलिजन 2D में।
देखो ये देखो, सबसे पहले ये एक बॉल, ये बॉल कितनी वेलोसिटी से आ रही है, यू। तो मान लेते हैं ये यू वेक्टर है, राइट, ये यू वेक्टर है। नेक्स्ट ये एंगल कितना बनाती हुई आ रही है, थीटा, और वापस वी वेलोसिटी से मेकिंग एन एंगल ऑफ फाइव। ये डायग्राम है, चेक कर लो, ठीक है ना यहां तक। तो इनिशियल वेलोसिटी यू के कंपोनेंट्स में दिस इज थीटा, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कितना यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट कितना यू साइन थीटा। कोई डाउट इसमें, रेस्टिट्यूशन इस ग्राउंड का ई है, कोई डाउट इसमें। फाइनल वेलोसिटी वी का एक कंपोनेंट वी कॉस फाइ, और इस तरफ वी साइन फाइ, ठीक है तक। हमें चार वेक्टर चाहिए थे, हमें मिल गए एक्स के अलोंग दो और वाई के अलोंग दो, दिख रहे हैं रेड कलर में। अब क्योंकि ई गिवन है, यानी कि एनर्जी का लॉस है, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन है, तो एक इक्वेशन कहां से बनेगी, रेस्टिट्यूशन की। और रेस्टिट्यूशन के लिए कौन से कॉम्पोनेंट्स लें, एक और दो, वो क्यों, क्योंकि ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहे हैं दोनों के दोनों, 90। तो ये कौन सी वेलोसिटी है इसकी, फाइनल, और ये क्या थी इसकी, इनिशियल। तो पहली इक्वेशन v cos phi फाइनल वेलोसिटी e टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, क्या ये पॉइंट क्लियर है, पहली इक्वेशन क्लियर है। दूसरी, ठीक है यहां तक, दूसरी मोमेंटम कंजर्वेशन, ग्राउंड के साथ क्या लगेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम m u sin थीटा, फाइनल कितना m v sin phi, m से m कैंसिल, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, v sin phi इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्या पॉइंट क्लियर है, ठीक। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, जब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस वी स्क्वेयर, सॉरी इन दोनों को करना है, इसे और इसे, सॉरी, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते हैं तो वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू, इसको स्क्वेयरिंग एडिंग करो, ई स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहां से ये टर्म क्या है, वन, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस यू स्क्वेयर कॉमन आ गया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसको ऑप्शन मार्क करना, क्या आएगा, हाँ डी आ गया, डन, डी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट, क्लियर है, तो डी ऑप्शन सही है। तो इन इलास्टिक कोलिजन 2D का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है, ठीक। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, आगे वापस शीट नंबर 61, शीट नंबर 61, करीब देखो, लास्ट क्वेश्चन है। सपोज आपके पास एक वॉल है, ठीक, ये वॉल है, और एज यूजुअल एक बॉल आ रही है, इसे हिट कर रही है, हिट करके बॉल वापस जा रही है, तो m मास आया, हिट किया, वापस चला गया, v वेलोसिटी से आया, v से ही चला गया, इट मींस दिस इज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिकॉज देयर इज नो एनर्जी लॉस। आगे तो अब इस केस में थीटा और थीटा गिवन है, तो m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम है, m इंटू वी फाइनल मोमेंटम है, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एम वी का एक कॉम्पोनेंट होगा एम वी कॉस थीटा एम वी साइन थीटा। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम एम वी का एक कॉम्पोनेंट होगा एम वी कॉस एम वी साइन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक,
क्लियर है। अब रेस्टिट्यूशन किस पे लगाऊं? नहीं, ब्लाइंडली कुछ नहीं लगाना, पहले देखो निकालना क्या है। उसने बोला कि जब इस बॉल ने इसे हिट किया तो बॉल दीवार के साथ डेल्टा टी टाइम के साथ कॉन्टैक्ट में रही, फॉर वेरी स्मॉल टाइम कॉन्टैक्ट में थी डेल्टा टी। उसने पूछा ही नहीं वेलोसिटी निकालो, उसने कहा फोर्स निकालो, रादर इसमें लिखो फाइंड एवरेज फोर्स निकालो, एवरेज वर्ड जोड़ो इसमें, फाइंड एवरेज फोर्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको फोर्स में ऑलरेडी करवाया हुआ है, अगर आपको याद हो। इसका कोलिजन से कोई लेना देना है ही नहीं। कोलिजन की प्रॉब्लम तो तब बैठती है जब वो आपको ना वेलोसिटी पूछे, टक्कर से पहले ये वेलोसिटी, टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी। वो कह रहा है मुझे टक्कर हो गई ठीक है, मुझे तो फोर्स निकाल के दो। अब फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय, और क्योंकि एवरेज फोर्स है तो एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। वैसे फोर्स होती है डीपी बाय डीटी, पर यहां पर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, कोई डाउट इसमें? यही फोर्स है इसमें। तो एक फोर्स एक्स के अलोंग, एक फोर्स वाई के अलोंग, ऑब्वियसली क्योंकि ये 2D चल रहा है तो फोर्स एक्स में भी निकलेगी वाई में भी निकलेगी, काम करते हैं हम। चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं पहले x में, ये x एक्सिस, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो एक साइन माइनस भी लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन में फर्क है, कोई डाउट इसमें? तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 2mv sin थीटा t अपॉन डेल्टा t, एवरेज फोर्स x में आ गई। लेकिन जब मैं y की बात करता हूं तो mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा, इसमें कोई माइनस एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो एवरेज फोर्स क्या आएगी y में? जीरो। क्लियर है यहां तक? तो x में फोर्स अलग, y में अलग। एक स्टूडेंट ने पूछा बाय चांस अगर ये जीरो ना आती फिर नेट फोर्स क्या होती? बोलो वेक्टर सम, क्योंकि fx fy, तो एक फोर्स fx है एक fy है, नेट फोर्स क्या होगी? अंडर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, अगर ऐसा होता तो। रूल समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बोलो, बहुत बार आया हुआ है मेंस और नीट में, खोल के देखना पुराने पेपर, करो सॉल्व।
कितने लोगों का आंसर आ गया पहले बोलो, कितने लोगों, हाँ कितने लोगों का कि आंसर गलत है, इसमें गलत है आंसर, सी आ रहा है। हाँ तो इसका आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो कोई बात नहीं, तो देखो इसको ना याद नहीं करना, फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई बात नहीं। देखो यही तो किससे होते हैं, ठीक। तो देखो इसके अंदर क्या है कि एक बॉल 60 डिग्री एंड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, प्लीज, एंड एट एन एंगल ऑफ 60, अब वो वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ अगेन 60 एंड 0.2 सेकंड के लिए वो कांटेक्ट में रहती है, कोई बात नहीं। तो आपको इसमें मास आपको गिवन है 3 kg, तो मोमेंटम कितना है 30, फाइनल मोमेंटम कितना है 30, ठीक है यहाँ तक। तो इस केस में हम ऐसे करेंगे, मोमेंटम 30 इसका मोमेंटम है, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, तो 30 इंटू कॉस ऑफ 60, 30 इंटू साइन ऑफ 60, ऐसी ये मोमेंटम 30 है, तो एक मोमेंटम 30 इंटू कॉस ऑफ 60 और एक 30 इंटू साइन ऑफ 60, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका तो मोमेंटम कैंसिल हो गया, बातें खत्म हो गई, क्योंकि वैल्यू सेम है, तो वाई, तो एक्स में क्या होगा, एक्स में चेंज इन मोमेंटम फाइनल 30 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 30 इंटू साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई कितने टाइम के लिए 0.2, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। आंसर गलत है, इसका आंसर सी कर लेना, आंसर है सी, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसलिए यहां पे ये क्वेश्चन को करवाया ताकि आपको याद आ जाए कि मिक्स नहीं करना कोलिजन और फोर्स की प्रॉब्लम्स को, ठीक, फिर से जान के लिखा था, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती, हमने तो पहले ऐसे किया था वैसे किया था। इस शीट में, शीट नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, मार्क कर रहा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2 एंड 6। देखो करो स्टार्ट, कर लो, कर दो, फिर हो गया, हुआ था पता नहीं, करना जरा सॉल्व करना बाकी लोग, 1, 2 एंड 6।
देखो क्वेश्चन नंबर वन, हमने रिजल्ट किया था कि एक बाउंस के बाद हाइट कितने टाइम हो जाती है ई स्क्वायर, तो एनथ में क्या होगा ई रेस टू पावर 2n, ये हो जाएगा। तो e की पावर 2n क्या होगी, h ऑफ n डिवाइडेड बाय h नॉट, तो e क्या होगा या e की पावर n क्या होगी, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, आंसर ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कंफ्यूज करने के लिए लोग करी जाएंगे, जिनको शॉर्टकट नहीं आता वो बेचारा क्या करेगा, वो तो वी से शुरू करेगा कि बॉल आएगी ई टाइम वेलोसिटी से जाएगी, पर हमने तो वो कहानी कर ली, तो हमने तभी तो की थी कि हमारा टाइम बचेगा, हम न्यूमेरिकल में टाइम थोड़ा लगाएंगे, हम तो फटाफट देके आंसर अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में कितनों का हो गया, देखो अभी भी किया था ऐसा क्वेश्चन, एक बॉल एम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी, दूसरी बॉल एम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी, और सपोज इनके बीच में एंगल कितना थीटा, ये दोनों चिपक जाती हैं। अब दे स्टिक टुगेदर, स्टिक होने के बाद उनकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है इनिशियल से वी बाई टू। स्टिक सुनते ही मेरे माइंड में आया ये तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, और कुछ करें ना करें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो पक्का सेम होगा। किसी ने पूछा फाइनल कितना है, तो मैंने बोला एम और एम इकट्ठे मूव करेंगे तो ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, रादर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हाफ। तो फाइनल मोमेंटम निकालना सबसे आसान है, टोटल मास इनटू टोटल वेलोसिटी, डन हो गया। इनिशियली इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम एम वी, इसका मोमेंटम एम वी, और दोनों कितने एंगल पर है थीटा, तो नेट मोमेंटम क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस टू एम वी एम वी कॉस ऑफ थीटा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? अंडर रूट ऑफ वेक्टर सम ही होगा ना, एम वी स्क्वायर प्लस टू एम वी एम इंटू कॉस ऑफ थीटा, नेट मोमेंटम आ गया। स्क्वेयरिंग करो इसे, स्क्वेयरिंग करने से पहले ये लो टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस थीटा, टू से टू कैंसिल तो क्या आएगा एम वी। अब स्क्वेयरिंग करते हैं इसे, टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हो गया तो क्या आएगा टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कट गया तो कॉस थीटा क्या आ गया माइनस हाफ, तो थीटा कितना आएगा 120। कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है, स्टिक टुगेदर और उसकी क्या सोल्यूशन होगा, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? एक जो क्वेश्चन मैंने दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करने के लिए, ए ऑप्शन आ रहा है, कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये तो हमने कुछ किया ही हुआ है, किया हुआ है पता, एक दो स्टूडेंट्स को पता लग गया कि हमने किया हुआ है, और जो शीट नंबर 60 थी ना, 60 लास्ट टाइम जो हमने की थी उसका ये वाला क्वेश्चन था आखिरी वाला, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक बॉल आ रही है एम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ यू वन, दूसरी रेस्ट पे है, फाइनल वेलोसिटी टक्कर के बाद बताओ क्या होगी। तो पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी रेस्टिट्यूशन, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को याद करो, मैंने एक के नीचे एक लिखा था, इन्हें सॉल्व किया था, वी वन वी टू की वैल्यू निकाली थी, इन्हें डिवाइड किया था, आंसर आया था, और मैंने ये क्वेश्चन अपनी शीट में से लिया था ताकि आप पता नहीं एक डेढ़ साल बाद रिवाइज करोगे नहीं करोगे शीट्स, कम से कम हाथ से लिखी हुई शीट्स तो कर ही लोगे। तो ये ऑब्जेक्टिव शीट्स रिवीजन कराने का तरीका है कि फटाफट जिस दिन पेपर हो क्विक रिवीजन कैसे करनी है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज दूसरे बैच में इतना ही किया था, और सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने का था आज, बट छोड़ दिया, आज नया टॉपिक नई क्लास में करेंगे। और एक मैंने होमवर्क दिया है, एक होमवर्क दिया है, प्लीज एक मिनट,
शीट नंबर 66, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 66 का होमवर्क लेके जाएंगे। तो आप लोग मुझे मालूम नहीं बुक करते हैं कि नहीं करते, बट ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखा जा सकता है जब भी टाइम मिले। सारे इसमें लिखा हुआ है, मैंने करवाए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, फॉर प्रैक्टिस है, करोगे तो फ़ायदा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक शीट नंबर 66 मिली है ना आज, ये वाली, ये आपका होमवर्क है, मतलब आपको टाइम मिलेगा इसको करना है। एक मैंने और काम दिया था आपको, वो स्कूल के पेपर सॉल्व करने वाला, किसी का आया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं, कितने लोगों ने ट्राई किया, कर लिए, उसको ट्राई करके ही जाना, नहीं तो आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस आपको मार जाएगा और आपसे पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देख के जाना स्कूल में।